बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट मोशन एंड फोर्स। इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं ये आपने टेंथ क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे और एंड पे इससे रिलेटेड मैं कोई MCQs आपको करवाऊँगा ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जबकि जो डिस्टेंस है दैट इज़ द पाथ लेंथ एक्चुअली ट्रेवल्ड। ये एक एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी कि सपोज करें कि आप कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, वो मूव करता है ए से बी पे, फिर बी से सी पे जाता है और सी से वो डी पे चला जाता है। सपोज करें कि ये है 3 मीटर, ये है 2 मीटर और ये भी 3 मीटर है। ए से बी पे गया है बॉडी, बी से सी पे गया है, सी से डी पे गया है। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? तो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है ए से बी तक प्लस बी से सी तक प्लस सी से डी तक। ए से बी तक है 3 मीटर, बी से सी तक है 2 मीटर और ये है 3 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 8 मीटर। तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 8 मीटर। दैट इज़ द पाथ लेंथ एक्चुअली ट्रेवल्ड, जो इसने एक्चुअली ट्रेवल्ड किया है डिस्टेंस। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम डिफाइन करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। अब ये इनिशियल पोजिशन है ए और ये फाइनल पोजिशन है, तो इनके दरमियान ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। याद रखें डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है और इसकी डायरेक्शन हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं? इसकी डायरेक्शन हम लेते हैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी जो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डी और जो डी की मैग्नीट्यूड है ये आप देख सकते हैं, ये 2 मीटर के इक्वल है क्योंकि ये दोनों सेम है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता या ज़ीरो भी नहीं होगा, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। इसको एक्सप्लेन करते हैं कि सपोज करें कि एक बॉडी जो है वो ए से स्टार्ट होती है और बी पे जाती है, बी से सी पे जाती है, सी से डी पे जाती है, डी से वापस ए पे आ जाती है। सपोज ये सारी साइड्स इक्वल हैं, 2 मीटर के इक्वल हैं, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बॉडी ने? तो 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 8 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ देखें इनिशियल ये बॉडी वापस ए पॉइंट पे आ गई है, तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन जो है ये सेम हो गए हैं। तो देर इज़ नो वेक्टर, देर इज़ नो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो। नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ज़ीरो भी नहीं हो सकता, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो भी हो सकता है। अब हम नेगेटिव को एक्सप्लेन करते हैं कि नेगेटिव से क्या मरा रहा है। तो सपोज करें कि आपके पास कोई भी बॉडी है वो यहाँ से ए से स्टार्ट लेती है और वो इस तरफ मूव करती है, ये पॉइंट है बी, और ए से बी तक जो डिस्टेंस है ये है 6 मीटर सपोज कर लेते हैं। अब बॉडी ने मूव किया ए से बी तक, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम लेंगे 6 मीटर प्लस 6 मीटर। अब अगर वही बॉडी वापस आ जाती है ए पे
तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ज़ीरो। अब अगर वो बॉडी रिवर्स मूव करना शुरू कर देती है और सी पॉइंट पे चली जाती है जो कि है सपोज करें कि 8 मीटर के डिस्टेंस पे, अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, अब हम लिखेंगे -6 मीटर -8 मीटर। यानी अगर हमने डिस्प्लेसमेंट राइट वर्ड जो है ये प्लस लिया है, ये पॉजिटिव लिया है, तो जो लेफ्ट वर्ड है ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है तो ज़ीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये बात यहाँ पे लिखिए, फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो। डिस्टेंस तो ना नेगेटिव होगा ना ही ज़ीरो होगा, वाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी, यानी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है ज़ीरो भी हो सकता है, यानी डिस्टेंस जो है हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन ज़ीरो हो सकता है, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ग्रेटर देन ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो एंड लेस देन ज़ीरो। आखिरी पॉइंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस इफ मोशन इज अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन। इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर एक बॉडी सपोज करें कि पी पॉइंट से मूव करती है क्यू पॉइंट की तरफ, पी से स्ट्रेट लाइन में, और इनके दरमियान डिस्टेंस है सपोज करें कि 10 मीटर, तो अब डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस सेम हो जाएंगे। इफ़ ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यानी डिस्प्लेसमेंट पी क्यू के बराबर आ गया। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ गया, डिस्प्लेसमेंट बराबर आ गया वेक्टर पी क्यू। डिस्प्लेसमेंट ऐसा वेक्टर होता है जिसकी जो टेल होती है वो इनिशियल पोजीशन पे होती है और जिसका हेड होता है वो फाइनल पोजीशन पे होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आ गई 10 मीटर, जबकि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है ये भी 10 मीटर है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस इफ मोशन इज अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मोशन स्ट्रेट अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन होगी, फिर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस जो है ये सेम आ जाएंगे। आई थिंक कि आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी आपसे एक क्वेश्चन करते हैं पता चलाने के लिए कि आपको इसको कितना समझ आया है। कि सपोज करें कि एक बॉडी जो है मूव करती है पॉइंट ए से बी पे, बी से सी पे, ये डिस्टेंस ये है 3 मीटर और ये है 4 मीटर। आपने बताना है डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बतानी है। तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, ए इज़ द इनिशियल पोजीशन एंड सी इज़ द फाइनल पोजीशन। तो पहले डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ एक्चुअली ट्रेवल्ड। तो उसने कितनी लेंथ एक्चुअली ट्रेवल्ड की है, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, तो कितने हो गए 7 मीटर। तो ये 7 मीटर तो आ गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आप देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस और परपेंडिकुलर आपको पता है, तो डी आप मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी की मैग्नीट्यूड आएगी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया है, तो ये आएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट और ये आएगा 25 का स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा 5 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर आई है, जबकि डिस्टेंस जो है ये 7 मीटर आया है। तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं ताकि आपको मज़ीद पता चल जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है, और ये एमसीक्यूज जो है जो लोग एनटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू है कि विच इज़ नॉट पॉसिबल। चार ऑप्शंस आपको दी हुई हैं,
कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, लेस देन डिस्प्लेसमेंट, बोथ ए एंड बी। तो गौर करें, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है? तो आंसर है नो। डिस्टेंस जो है ये इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन सर यस, डिस्टेंस जो है ये डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे हमने पीछे भी देखा कि एग्जाम्पल में जो डिस्टेंस था वो ज़्यादा आया था, जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने दी है उसमें डिस्प्लेसमेंट कम आया था। यस, डिस्टेंस जो है ये डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है? यस, हो सकता है। कब हो सकता है? व्हेन बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन भी सही नहीं है। जब ये दोनों पॉसिबल हैं तो ये भी पॉसिबल है, तो एक ही ऑप्शन बचती है कि डिस्टेंस इज नॉट लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या उससे ज़्यादा होगा। ये याद रखें कि डिस्टेंस जो है कैन नॉट बी लेस देन द डिस्प्लेसमेंट। ये था फर्स्ट MCQ। नेक्स्ट MCQ है कि अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन डिस्प्लेसमेंट इज, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपने बतानी है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि डायरेक्शन का आपको पता है कि डिस्प्लेस ये हम लेते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो इसमें जो 10 मीटर है दैट इज टूवर्ड्स नॉर्थ, ये 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो आपने आपको बताया जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, ये इनिशियल पोजिशन है, ये फाइनल पोजिशन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आप राइट एंगल ट्राइंगल में देख सकते हैं, ये बराबर होगी 10 का स्केयर प्लस 20 का स्केयर और स्केयर रूट। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आएगा 22.5 मीटर। तो कौन सी ऑप्शन सही होगी? ऑप्शन ए, 22.5 मीटर। तो नेक्स्ट है कि अ बॉडी मूव्स ओवर 1/4 अ सर्कुलर आर्क इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी रिस्पेक्टिवली। इसको मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, फिर उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कि सपोज करें कि आपके पास एक सर्कल है और एक बॉडी मूव करती है 1/4, यानी हमने ये सर्कल के 4 पार्ट्स कर दिए, एक बॉडी यहाँ से यहाँ पे मूव करती है। अ बॉडी मूव्स ओवर 1/4 ऑफ अ सर्कुलर आर्क, 1/4 बन जाता है ये, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे मूव करेगी बॉडी ए से बी की तरफ। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है ए और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये आर के बराबर है, ये भी आर के बराबर है। तो आपने ये बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जो है अगर ये वापस से पूरा चक्कर मुकम्मल करती तो सर्कमफेरेंस के बराबर आता, और सर्कमफेरेंस बराबर होता है 2πr के, लेकिन ये सर्कमफेरेंस का 4th पार्ट है, यानी इसको हम डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो डिस्टेंस आएगा πr/2। तो ये तो हो गया डिस्टेंस। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है ये बराबर होता है एक वेक्टर जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें अगर आप गौर करें ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है, ये ऐसे। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है ये बराबर होगी आर स्केयर प्लस आर स्केयर और स्केयर रूट, तो ये आएगा 2r² स्केयर रूट, 2√r। तो डिस्प्लेसमेंट 2√r या r इंटू 2√, और जो डिस्टेंस है ये πr/2, तो ये ऑप्शन बनती है। जो डिस्टेंस है πr/2 और जो डिस्प्लेसमेंट है ये r इंटू 2√।
तो लास्ट हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड व्हेन द व्हील रोल्स फॉरवर्ड हाफ रेवोल्यूशन विल बी. आपने बताना है डिस्प्लेसमेंट जब एक व्हील जो है वो रोल कर जाता है कितना रोल करता है हाफ रेवोल्यूशन. तो इसको देखते हैं. क्वेश्चन ये है कि एक व्हील है जिसमें एक पॉइंट है, ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट हम ले लेते हैं ए, या इसको हम पी का नाम दे देते हैं. ये पॉइंट है पी विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड. व्हील मूव करता है और ये पॉइंट ऐसे इधर आ जाता है, ये वाला पॉइंट. व्हील ने कितना रेवोल्यूशन किया, हाफ रेवोल्यूशन. व्हील और इस व्हील ने कितना डिस्टेंस, जब हाफ रेवोल्यूशन करेगा तो ये 2πr/2 यानी कि पाई आर के बराबर डिस्टेंस कवर किया. ये जो डिस्टेंस आ गया ये पाई आर के बराबर आ गया. तो आपको पता है कि जब एक रेवोल्यूशन होता है तो जो डिस्टेंस कवर करता है व्हील वो 2πr के इक्वल होता है. तो जब ये डिस्टेंस हमें पता चल गया, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन. ये इसकी इनिशियल पोजिशन है, ये फाइनल पोजिशन है. तो यहाँ से यहाँ तक ये जो वेक्टर आएगा ये डिस्प्लेसमेंट आएगा. तो इसकी हमने मैग्नीट्यूड बतानी है. ये हमें पता चल गया ये पाई आर के बराबर है, ये पता चल गया, ये मालूम करना है. और ये आप बता सकते हैं किसके इक्वल होगा व्हील का, ये डबल ऑफ द रेडियस 2r के बराबर आ जाएगा. तो ये साइड पता है, हम ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई. इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड पाई आर है, बेस परपेंडिकुलर 2r है, और ये हमने मालूम करना है. तो इसमें हम मालूम कर सकते हैं कि जो d की मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है, ये बराबर आएगी पाई आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर और स्क्वायर रूट. तो इसमें से ये आप r को कैपिटल लेंगे तो दोनों तरफ कैपिटल लें, क्योंकि r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, r इज़ द रेडियस ऑफ व्हील, रेडियस ऑफ व्हील. तो इसमें हम इसको r स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं. तो जब r स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर रूट के बाद r आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा पाई स्क्वायर प्लस 4, पाई स्क्वायर आ जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. तो कौन सी ऑप्शन बनेगी, ये ऑप्शन होगी बी. तो आई थिंक इस वीडियो के बाद आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो चुका होगा.